जी नहीं ठीक है, समझ में आ रहा है सर इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, फिर इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह की वस्सलात वस्सलाम अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहलन वसहलन व मरहबन बिकुम जमीअन फी सफ़िर लुग़तुल अरबिया। आवाज़ आपको सही आ रही है सबको? जी अलहमदुल्ला जी सर जी तो अभी ना हम थोड़ी इतनी दिन में प्रैक्टिस थोड़ी कर लेते हैं कि आप मरफू और दम्मा को कैसे समझ समझ पा रहे हैं। तो उसमें हम ना पहले दम्मा का कर लेते हैं, ठीक है ना? दम्मा तो उसके लिए आपको पता है, लेकिन मैं आपसे की सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। उसकी ये हालात होंगे ऐसे, जैसे बाबुन, ठीक है? तो ये जो दो दम्मे हैं ना, ये आपको बता रहे हैं कि ये एक तो मरफू है और दूसरा ये इस हालत में है कि ये इनडेफिनेट है। दो चीज़ें बता रहे हैं। आप में से कोई भी मेरे साथ शामिल हो सकता है जिससे मैं सवाल जवाब कर सकूं। तो बाबुन में जो एक और, मैं आपको जाते जाते बात समझा देता हूँ। हमने पढ़ा था ना अलफ और सॉरी हमजातुल कत और हमजातुल वसल, याद है किसी को? याद है? जी जी सर याद। तो ये बताएंगे कि ये अलफ ये क्या है? हमसे कत्ल है नहीं, यही बताना था। मैंने कहा देखें कोई, ये अलिफ है, अलिफ ये असल में अलफ है। अलिफ ये अलफ है, ये प्रॉपर अलफ है जो कि उसका हिस्सा है। तो ये मैंने समझाना था वैसे ही ज़मीनी तौर पर आपको। तो अभी इसको हम इसकी एक और हालत बता देंगे, अल बाबू। तो अब ये किस हालत में है? अभी डेफिनेट हो गए। नहीं ये डेफिनेट भी अब हो गया और स्टिल ये जी, क्या है? मरफू है ना? और हमजातुल हमजातुल वसल है। नहीं वसल ये है, ये है हमजातुल जी वसल, अब जो है ना वो जी ये ठीक है ना, ये वाला, ये जी हमजातुल वसल है। नजर आ गया? अलबाबू, ठीक है। अच्छा, एक दो इसकी और भी एक कर लेते हैं कि जो प्रॉपर नाम होता है, जैसे हामिदुन, ये किस हालत में है? मरफू डेफिनेट मरफू है और क्या है? डेफिनेट है, इनडेफिनेट? डेफिनेट डेफिनेट है डेफिनेट क्योंकि ये प्रॉपर नाम है। प्रॉपर हाँ, नाउन डेफिनेट है जी और डेफिनेट इसका जो हा के साथ अलिफ है वो अलफ ही है, हमजा वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है ना? ये थोड़ी छोटी छोटी बातें मैंने आपको समझानी है, क्योंकि तो हमारे डॉक्टर साहब कहते हैं कि हम कुरान मजीद की तरफ करें, तो वल्लाहु आलम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ना तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो जुमले हैं उनको समझने के लिए काफ़ी अभी हमें तगोदो करनी पड़ेगी इंशाल्लाह। तो एक तो ये बात आप समझ लें। अब हम इसकी दूसरी सूरत में देखते हैं कि अगर हमने बाब जो है उसको सर, दूसरे इस मुझे हालत तो ना में ये कुछ भी समझ में नहीं आया अभी जो आपने बताया है। रूही को नहीं समझाया, जी सर, कौन सी चीज नहीं समझ आई? मुझे ये फर्क नहीं पता चल रहा कि ये जो आपने बाब का बोला था, पहले आपने कहा था ये बाबुन में जो अलिफ है ये अलिफ है, फिर जी 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 आपने ये जी कहा हामिद में भी जो अलिफ है वो भी अलिफ है, और जो अलिफ अलबाब में लगा ये हमजातुल वसल ये अलफ नहीं है, है, ये ये अलिफ हमजा नहीं है, है। ये हमजा है, इसको अच्छा हमजा कहते हैं। और दूसरा जो इस्तेमाल में आया है ना, ये अलफ है। तो तो रूही यानी कि ये जो जो अलफ, बीच में आया है वो ये भी अलिफ अलफ होता है। है,
हाँ ये कभी शुरू में नहीं आता, ये वाला अच्छा, अलिफ कभी शुरू में नहीं आता, नहीं, हमेशा शुरू में वो या हमजा फतह आता होगा या वो मरफू होगा। वसल होगा, जैसे ये वसल अच्छा है। वसल, अच्छा ठीक है, सही है। ये या तो जो बहुत शुरू में अच्छी आने तरह हमने वाले, समझा था, अगर आ जाएगा वापस आपके जहन में तो। ये जी जिमनी तौर पे इंशाल्लाह मैंने आपको बिल्कुल बताया था, इसको आप भूल ही जाएं, ठीक है ना, इसको हम निकाल जी ही देते हैं, कंफ्यूजन होगी नहीं आपको। मैं दोबारा लिख सर, देता हूँ इसको। ये जो है जैसे अलबाब आपने दिखाया ना, तो जी ये अल वाला जो है ये हमजतुल वसल हो गया, जी लेकिन जो तो बाप है ना, बा अलिफ बा, तो ये ये उसका अलिफ है, अलिफ है ये अलफ है, ये ना। पढ़ा जाएगा। हाँ ये बाप, तो ये अलिफ ये है देखो, और अभी ये मैं अभी अभी रुक जाओ रुक जाओ, इसको पढ़ो, कोई भी जो रूही पढ़े आप प्लीज, बाब, उन्हें वाव के साथ बाब, वल वल बाबू। बाबू हो जाएगा। लेकिन ये तो ये जो अलफ है ये खड़ा रहेगा ना, इसको तो नहीं मिटा ओके ओके, सकते। तो जब ये इस हालत में होता है, जब इसको पढ़ना पड़े, ये अलफ होता है, ये हरूफ तहजी है अलफ। ठीक और यो ये है, दे दरअसल हमजा है। इसकी दो ठीक किस्में है हैं, एक जो होता है अना में जैसे है ये वाला, ये जी। मुस्तकिल है, इसको हमेशा आप पढ़ेंगे अना। लेकिन ये हमजा है, अल्फ नहीं है। अल्फ के लिए ये जो मैंने लाइन खींची है, ये उसकी कुर्सी है बस। लेकिन असल चीज ये है आना, आना नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। ये तो मैंने जिमनी तौर पर समझाना था कि शायद आपको अल्फ में और हमजातुल वसल में आ जाएगी थोड़ी, उसमें क्लैरिटी आ जाएगी। ये हामिदुन है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, समझ में आ गई रूही, मिटा दूँ। जी सर, इसमें सिर्फ एक थोड़ा सा जहन पर आप जोर डालेंगे तो आपको याद आ जाएगा सब कुछ। एनीवे लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट वन जो है ना वो है कि बाप की, मैं ना एक और हालत बता रहा हूँ, उसके ऊपर आपने गौर करना है। अब इसको मैंने बाब उन से ये कर देना है, बा बन। आपने नोट किया है कि बा ये कौन सी हालत है? मंसूब। मंसूब है और इसके ऊपर वो फतह आ जाएगी, ठीक है ना, फत जी फतहातुन, ठीक है। ये समझ रहे हैं ना? अब हमने क्या किया, इसमें ऐड बिल्कुल किया है अलफ को बाबन बनाने के लिए, ठीक है। तो अलबाब को कैसे बनाएंगे, कोई बताएगा कि इसको कैसे अपने हमने मंसूब बनाना है? अलबाबन, आखिरी वाले बे के साथ अलिफ लगा के अलबाबा, अल अलबाबा। हाँ उसमें अलबा दो नहीं बा हो अपन। जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह हामिदुन को कैसे बनाएंगे मंसूब? आमिदन, हामिदन, हामिद, इसके आगे एक अलफ को ऐड करना पड़ेगा। बात वाजे हो रही है आपको? अब हम कसरा की तरफ जाएंगे, मजरूर जो होता है कसरा, तो सेम चीजें जा रही हैं, ये मजरूर हो जाएगा, मजरूरुन, ठीक है। अब हम बाब, बाब जो है इसको कैसे मजरूर बनाएंगे, कोई बताएगा? बिन बा बिन बिन, ठीक है। और अल अलबाबी, अलबाबी। अलबाबी, और हामिद उनको कैसे बनाएंगे? हामिद हामिदिन अलफ लगेगा या नहीं? नहीं, नहीं लगेगा। ये अब आप सबको इस बात की समझ आ गई, ठीक है ना।
जी ठीक है ना, सबको सर समझ आ गई? जी ओ अब ना मैं इसको यहाँ रोकता हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो वापस आ जाएंगे इसकी तरफ। सर, इससे मायनों में फर्क पड़ता होगा? नहीं, मानो मैंने कुछ उस वक्त फर्क पड़ेगा ना जब इसको आप मुदाफ़ल बनाएंगे या जुमले में, ये उसकी तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ। अच्छा अब हमने एक वर्ब पढ़ा था, तो उसमें देखना आपने कैसे तब्दीलियां आएगी। हमने पढ़ा था जहाबा, पढ़ा था इसका क्या माना है? ये गया बिल्कुल बैंक, मैं वो एक लड़का गया इवेंट है, इवेंट इवेंट। रूही, आप आपको तर्जमा आता है इसका जहाबा, ये जी फेल है या सर। इसम है? रूही, सर ये इसमें सॉरी जहाबा इसम है। सॉरी सॉरी ये फेल है सर, सॉरी फेल है, एक्शन है। बात है रूही, आप तो माशाल्लाह टीचर भी हैं, पढ़ाती भी है मेरा ख्याल, और काम भी। तो जहाबा जो है ना, आप काम पे जाती है ना, जी सर तो जहाबा जो है वो इवेंट में जाएगा, इसका माना होगा इवेंट। ठीक जी है, तो अगर हम इसको आगे थोड़ा सा इसको बढ़ा सकते हैं इस हालत में भी, के तो मैं इसको कह दूंगा कि जहाबा हामिदुन, हामिदुन ठीक है, इलस्सू की। इलस्सू की ये हम अरबी जो उर्दू वाले हैं ना, तो वो तो वाव के ऊपर भी सुकून डाल देते हैं ना। ठीक है जी, तो जहाबा फेल हो गया, हामिदुन फाइल हो गया, इला की वजह से ये सू की जो है ये मजरूर हो गया, ये हर्फ इजार जी है, आपको सबको पता है सब चीजों का। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम आगे जाएं और हम ये कहें कि मैंने हामिद को मार्केट में देखा, तो उसको लिखेंगे राय तू। ये आपने पढ़ा नहीं है मगर मैं आपके लिए लिख रहा हूं ताकि समझा दूंगा आपको, राय तू। आई सो, इसका माना होगा मैंने देखा। आई सो हामिद, अभी इसके ऊपर कुछ नहीं डालना, बाद में डालेंगे। फिर सू की, आई सो मैंने देखा किसको, आमेदन, अब ये जी बन गया मंसूब। ये क्या बन गया अब, बोले मंसूब, जी मंसूबुन। फिसू की इन द मार्केट, ठीक है, वाजे हो रही बात भाई। सर जब हम हमने ऊपर जहाबा हामिदुन पढ़ा, तो हामद वेंट इलसुकी टू द मार्केट, तो ये मरफू हालत में है हामिद, और राय तू हामिदन फिसू की, मैंने हामद को देखा मार्केट में, तो हामद जो है वो मंसूब हो गया। ये जो मंसूब है इसको अरबी में कहते हैं मफ़ऊल, मफ़ऊल बेही। मफूलन बेही कहते हैं इसको, ठीक है। तो इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। आप मुझे बताएं किसी भी लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट के बगैर कोई सेंटेंस जो है वो कंप्लीट नहीं होता। ये सी है, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो हमने ये थोड़ा इसको थोड़ा खंगाला है, थोड़ा देखा है। इसी तरीके से मैं अब आपको बगैर अब जबानी पूछता हूँ,
अगर मैं ये कहूं सल्ले अला मोहम्मद, तो जो दाल होगी उसके नीचे अला की वजह से क्या आएगा? मोहम्मद मोहम्मदिन, क्योंकि अला है ऐन लाम जबर के साथ, तो इस तरीके से वो मजरूर हो जाएगा, ठीक है ना? तो हम बार बार कहते हैं ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन, लेकिन मोहम्मद ही कह देते हैं, लेकिन मोहम्मदिन है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप अल्लाह करे किसी को सिखाएंगे तो आपको अगर सवाल आए तो आप जवाब दे सकते हैं। क्या ख्याल है? सही है ना? इंशाल्लाह। ये मैंने आपको थोड़ा सा समझाया है, अब हम लेसन की तरफ चलते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो मैं फिर बोर्ड जो है ना व्हाइट बोर्ड लगा लूंगा। यहाँ किसी का कुछ सवाल है इतनी देर में? मैं उस आप उधर जाने से पहले समझ आ गई सबको? जी सर, आपको कोई मुश्किल तो नहीं है शाहीन? नहीं सर, समझ में आ गया। इसको आपने मुस्तकिल तौर पे समझ जाना है। और जैसे अच्छा, अभी जाने से पहले मैं कहूंगा, अगर मैं आपको एक जुमला बोलूं, अकलतू, अकलतू का मैंने होता है मैंने खाया, अकलतू दजाजतन फिल मतबखी, तो मैंने दजाजतन क्यों कहा है? वो ऑब्जेक्ट है, मफूल मफूल है, है, मफूल मफूल है, वो ऑब्जेक्ट है, और वो क्या होगा? मफूल मफूल है। अच्छा, मनसूब हो गया, वो मफूलन बेही है, वो मनसूब हो गया। दोबारा रिपीट करें। राई तू हामिदन, राई तू जो है वो फेल है, हामिदन जो है उसको इंग्लिश में हम सब्जेक्ट कहेंगे उस, ठीक है? उसके देखने वाला जो है फाइल, वो अना है इसमें, मैंने देखा, राई तू, ये फेल मादी है, मैंने देखा हामिदन आमिद को फिसू की। तो आप में से कोई जुमला बनाएगा राय तू आमीना, उसके ऊपर क्या लगेगा? आमना तन लग सकता आमीना ता, नहीं, आमना ता लगी है, जैसे कि हाँ लेडीज जी, के मैंने नाम, टेस्ट करना था कि आप याद है आपको या भूल गए। लेडीज के नाम राय का। तू आमीना ता फिसू की, ठीक है? अच्छा, आप ऐसा पढ़ें, अशादो, अजय पढ़ के सुनाए मुझे, अशादो अन्ना अच्छा, मोहम्मदन, अशादो अब्दुल अन्ना रसूल, मोहम्मदन अब्दुहू व अब्दुल रसूलहू। लेकिन उसमें जो रसूल, पहला है ना अन्ना, वो मोहम्मद को देख मंसूब कर रहा है, उसके बाद मोहम्मदन आया, वो भी मंसूब है। तो इस तरीके से मैं छोटी छोटी चीजें आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको मंसूब को पहचानने में मदद आ जाए। इसको याद रखना है मफ़ऊलुन बेही या मफ़ूल बेही, अगर मफ़ूल बेही भी कहेंगे तो फिर भी ठीक है। मफ़ूल की अरबी में 5 किस्में हैं, वो एक एक करके पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना? वाजे हो गई बात पे, आगे चले फिर, किसी का कोई सवाल नहीं है जी तो ओके, जी लेसन की समझ तरफ में, चल। सवाल है किसी का? नहीं समझ में आ गया। समझ आ गया। चलिए मैं ना इसको यहां रोक रहा हूं। ये आपकी आ गई है, स्क्रीन शेयर हो रही है, ठीक है ना? यहाँ आप वो, मैं इसको पढ़ता हूँ। द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज इन अक्यूसिटिव केस, यानी मंसूब केस, एंडिंग जो होगी उसकी केस एंडिंग इंग्लिश में कहते हैं, एंड इट टेक्स आ यानी फतहा एंडिंग, बट इट डज नॉट अपीयर इन ए नाउन विच हैज द पोसेसिव प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर अटैच टू इट। Here are some examples of the object without the possessive pronoun of the first person. तो वो बेसिकली वो क्या कह रहे हैं, वो बताएगा, किसी को समझाए? वो ये कह रहे हैं, समझ आई किसी को? नहीं समझ आई? पहला तो समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो मंसूब होता है, उसके बाद जो वो बता रहे हैं वो समझ में नहीं आया। शब्द
अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि जब ओहिबू हो गया ना, ये फेल है ना हमारा जी अभी, तो इसमें आपको कोई मनसूब चीज नजर आ रही है, नहीं, जो या उसमें अबुन अबुन है ना, हाँ प्लीज, अभी उससे बना, तो यही पोसेसिव होता है ना, मुदाफ मुदाफल है, पोसेसिव प्रोनाउंस। ठीक है, तो या जो है ये इसको क्या कहते हैं? आलिया आप बताएं, या मुतकल्लिम, या मुतकल्लम, और ये क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन है ना। अब जी मुझे कोई बताए, हु जो हमने हुआ पढ़ा था ना, हुआ हुमा हुम, आलिया आप बताएं, हु हुमा, हुम, ये सारे पढ़ हा लें आप। हुमा हुन्ना, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या और ना। यस दैट्स इट, वेरी गुड। किसी और को भी आते हैं सब, याद किए किसी ने? ये सारे जो हैं ये इनको कहते हैं पोसेसिव प्रोनाउंस। मगर वो ये कह रहे हैं कि इसमें आपको वो मनसूब हैं, मगर आपको उसके ऊपर फतह नजर नहीं आएगी, छोटी सी बात है। ठीक है, समझ में आ गई? ये फर्स्ट पर्सन ही होता है ना, या मुतकल्लम, जी इसी तरह इसी तरीके से जो आप जो है ना, ये इसको नोट कर लें, इसी तरीके से ये उम्मी है, इसमें आप कोई बताए जल्दी से, उम्मी में मुदाफ कौन सा है और पोसेसिव प्रोनाउंस कौन सा है, कोई भी बता दे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। या जो है प्रणाम हाँ, और अमन उम्मुन से उम्मी बन गया, तो जी। जो उम्मी है इसी तरह अभी है। इसको अब आप अगर असली हालत में देखेंगी तो ये होना चाहिए था अबू, और इसके आगे या लगना चाहिए। आप इसको प्रोनाउंस करने की कोशिश करें, दिस इज हाउ माई टीचर टोट मी, कि अरबों ने क्या किया, उन्होंने कहा इसको आसान कर लीजिए, तो बा के नीचे कसरा आ गया, मीम के नीचे कसरा आ गया, अखी की खैन खा के नीचे कसरा, उख्ती की खा और उसके आगे जो ता है मरबूता है उसके नीचे कसरा आ गया। क्योंकि अगर वो असली हालत में रखेंगे तो आप उसको पढ़ ही नहीं सकते, कोई पढ़ने की कोशिश कर सकता है? अगर ये उसके ऊपर दम्मा हो तो पढ़ लेगा कोई? नहीं, उसको यहाँ के साथ हम ला ही नहीं सकते। जी मगर दूसरी हालात में आप पढ़ेंगे, जैसे हम और पढ़ेंगे तो उसमें वो असली हालत में आ जाएंगे। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये फर्स्ट पर्सन वाला जो है ना, इसके ऊपर आपने सिंगुलर के ऊपर गौर करना है। मगर यहाँ अगर हो जाएगा, अगर कहेंगे हमारा ब्रदर, तो उसमें हो जाएगा आखू ना, तो ना के ऊपर वो आ जाएगा, वो जबर ही रहेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि गौर करना है फर्स्ट पर्सन के लिए, ना के प्लूरल के लिए। फर्स्ट पर्सन ही होगा उसके प्लूरल के लिए नहीं, मगर सिंगुलर के लिए। 1% के लिए। ठीक, अभी अब आगे चलें, फिर एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो आप वो कह रहे हैं कि उसके बगैर आप समझ लें, ओहिबुल्लाह हा, तो जो हा है ना, ये आपको क्या बता रहा है कि अल्लाह किस हालत में है? मंसूब मंसूब। मंसूब और इसको क्या कहेंगे हम? मफ़ऊल, दी जी ऑब्जेक्ट है ये, ओहिबू आई लव, ये देखें उधर कर अल्लाह दीजिए, अल्लाह जो है ये है आपका मफ़ऊल बेही। ठीक है भाई, समझ आ गई? जी सर जी ये फेल है, इसमें अना जो है वो छुपा हुआ है, ये बता रहा है हमें कि ये अना है, ओहिबू। अब ये फेल जो है, ये दरअसल फेल प्रेजेंट है या पास्ट है? प्रेजेंट मदारे मुदारिया है, जी, बिल्कुल। लेकिन अभी हम इंग्लिश में हमेशा, इंग्लिश दान जो है ना, वो प्रेजेंट टेंस से टेंसेस पढ़ाना शुरू करते हैं, और अरबी में हम ज़्यादातर पास्ट से शुरू करते हैं। मगर इन्होंने
यहाँ खोला है आपके लिए एक और एवेन्यू, एक और दरवाजा कि मुदारे जो है वो कैसे काम कर सकता है। तो मैंने बताया था कि अब ओहिब्बू का पास्ट क्या है, पास्ट टेंस। अब्बा 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 अब्बा, ठीक है ना, अब्बा योहिब्बू, तो ये बन गया आपका प्रेजेंट टेंस। और ये कौन सा है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ठीक थैंक यू। है ना। तो अगर हम ने कहना वो फिर बनाएंगे हम के नू नुहिब्बू अल्लाह, हम वी लव अल्लाह। तो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। नेक्स्ट जुमला जो है ये सेंटेंस कोई करेगा, ओ हिब्बू रसूला, इसकी एनालिसिस करें। ओहिबू आई लव या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओहिबू तो रसूल जो है वो मंसूब हो गया और वो फेल है। ओहिबू आई ओहिबू जो है आई लव फेल ये फेल मुदारे हो गया ना। फेल मुदारे जी और रसूल जो है ये डेफिनेट है या इनडेफिनेट? डेफिनेट डेफिनेट, डेफिनेट ठीक है ना। अब आपने देखना है कि नेक्स्ट वन जो वो कैसे चेंज आएगी। जावेद भाई आप ये इसको करें, दोनों शिमला और आप ओहिब्बू रसूल रसूल लाही। रसूल अल्लाह ही, ठीक है ना। तो ये यहाँ अल्लाह जो है, यहाँ तो आपने फतह डाला है और यहाँ कसरा डाल दिया, इसकी क्या वजह है, ये क्या हो रहा है यहाँ? मुतापले की वजह से हाँ, और ये क्या है, ये भी मुझे समझाए ना जरा। ये इसको आप, मुझे नहीं समझ आ रही कि रसूल के ऊपर ये फतह क्यों आया। जवेद भाई बताएंगे और शैला करेक्शन करेगी ये अगर गलत हुआ। तो मकफूल मकफूल मंसूब हो गया ना मकफूल, लेकिन है कि ये रसूल फिर अल्लाह का रसूल, तो वो मुदाफ मुदाफले की वजह से अल्लाह ही पे जो जेर आ गया जो। देखें इसको कोई और, आलिया आप करें इसकी वजाहत। जी ओहिबू रसूल अल्लाह ही आई लव अ प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, या आई लव द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह। ये बिकम जी अल्लाह इज डेफिनेट सो रसूल विल बिकम डेफिनेट। मैंने समझाया हुआ है जी ना आपको मुदाफ मुदाफला की जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो जी आई लव द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, ठीक है जी। अच्छा, आयशा आलम, सर मुझे एक आयशा बात यहाँ से समझ नहीं आई कि अगर वो डेफिनेट है तो अर तो अलिफ लाम तो नहीं लग रहा रसूल अल्लाह से पहले। जी नहीं, वो ऊपर वाला, इसीलिए तो पहले ऊपर वाला किया है ना ये जुमला, यहाँ मेरा जी कर्सर अर रसूल, नहीं उसके बाद कुछ आया नहीं यह समझ आ गया, लेकिन जो तीसरे वाला है इसमें ये अगर आपको। जी हाँ, रुक रुके रुके रुके, मेरे साथ रहना। आपको पता है मुदाफ जो है वो दो चीजें नहीं ले सकता, कौन कौन जी सी? जी ठीक एक अल नहीं ले सकता, नहीं ले सकता ये, समझ आ गई और दूसरी कौन सी है वो भी बताएं। सर। जेर नहीं कसरा नहीं ले सकता, कसरा भी ले सकता है वो, अब कोई बताए और सैराब बता बन दो। जाओ अब आपको याद करवाना है अच्छी तरीके से, कोई और बताए कि मुदाफ जो है वो दो चीजें नहीं लेता, उसका एक एराब हल्का होता तो है, जी। एराब हल्का होता है उसका, यानी कि लाइट होता है वो, नहीं नहीं वो नहीं नहीं होता। वो उसको कहते हैं तनवीन। तनवीन जी हाँ, वो तनवीन तनवीन नहीं ले सकता, ना वो दो दमे नहीं ले सकता है, ना जी, दो खसरा ले सकता है, ना और दो ना ही फतह वो दो फतह, फतहतान और अल भी नहीं ले कसरतान सकता। दम्मतान, वो नहीं ले सकता वो, ठीक अल है। भी नहीं ले सकता। हाँ जी अल भी ठीक नहीं ले याद आ सकता। गया तो आपका जी सवाल सर, वाजह हो समझ आ गया, गया। इसलिए भूलना नहीं है, इसको चाट तनवीन लेना है, याद कर लेना है, ठीक है ना। ओ हिब्बू रसूल अल्लाह ही, आप जुमले बनाना चाहते हैं ना खुद भी, तो जी। अगर आप समझ जाएंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस देन यू कैन कंस्ट्रक्ट द सेंटेंस, ठीक है ना। इसलिए मैं इसकी एनालिसिस कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। अब आप किसी का कुछ सवाल, मैं रुक रहा हूँ, मैं थोड़ा सा पानी पी रहा हूँ।
सबको बात वाजे हो रही है, क्योंकि हमने आगे फिर स्पीड हमारी तेज हो जाएगी और तो फिर इन छोटी छोटे स्टेशनों पर फिर हम नहीं रुकेंगे इंशाल्लाह। जी समझ समझ आ जाएगी। गए, जी एक सर तो समझ आ फिर गए। मैं तूबा से पूछ लेता हूँ। तूबा तूबा आप बताइए, ओहिबू जो है ये इसम है या फेल है? सर ये ओहिब्बू फेल है, फेल मुजारे है, और ये जो है फर्स्ट पर्सन के लिए, अपने लिए जो बोलते हैं, जी। और और इसमें इसी के अना जो है अंदर छुपा हुआ जी फाइल कहाँ है इसका? आईना फाइल। फाइल अना है, जो कि ये हमजा पे ऊ जी, से जाहिर हो रहा है। ये वाला हमें बता रहा है, ठीक है ना? ये कसरा ना समझ लेना, जी, ये हमें बता रहा है। तो रसूल जो है ये मनसूब है या मरफू है? रसूल जो है मंसूब है, यस करेक्ट, और अल्लाह सही। जो है मरफू है, क्योंकि वो अल्लाह मरफू है, नहीं, उसके नीचे हा के नीचे क्या क्या लिखा है कसरा है, ये? मजरूर तो जब नहीं, कसरा हो तो मरफू उसको नहीं, वो है मजरूर, मजरूर। जी, मजरूर, जैसे अभी मैं आपकी मजरूर, सबकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, अब जी इंशाल्लाह जी अल्लाह तआला को तौफीक दे, इनकी तरफ गौर करें, घर में बैठ कर थोड़ी प्रैक्टिस करें, तो आप जल्दी इंशाल्लाह अल्लाह ताला सिखाएंगे आपको। लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी इंशाल्लाह, ना, सही है ना मेरी बात? तो जी, ये रसूल क्योंकि जो है ये रसूल है, ये इसकी क्या पोजीशन है? ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? ये मुदाफ मुदाफ है, दिस इज मफ़ऊल बिही एंड मुदाफ, जी ठीक है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और भी और मदाफ जी, क्योंकि तो आप ये बात को समझ लें, फतह इसके लिए इसलिए आई है कि ये मफ़ऊल है, इसलिए इसको फतह मिल गई है। और इसके साथ ना अल लग सकता है और ना ही दो फतहतान लग मजबूर बन सकती हैं, क्योंकि ये मुदाफ है और इसका मुदाफिल है अल्लाह। और हाँ जो है जी, अल्लाह का एंडिंग जो है, इराब जो है आखिरी, वो कसरा है, वो मजरूर है। मुदाफ मुदाफुन अलैह, मुदाफुन अलैह हमेशा क्या होता है आलिया? जी मुदाफुन अलैह मुदाफिल हमेशा मुदाफिल हालत जर में होता है। हाँ हमेशा मजरूर होता जी है, ठीक है ना? तो जी आयशा आपको समझ आ गई? जी सर, और रूही अब रह गई, रूही आपको कुछ सर रूही मैं आपको तो ना आज बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ, मुझे लग रहा है मुझे सब भूल गया उसकी आप फिर गौर करें कि क्यों बोला है। है, मुझे यही लग रहा है। मैं ना सर थोड़ा रिवाइज करूंगी, मुझे अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो फिर तो वो तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते फिर। नहीं सर आप बड़े, मैं नोट करती जा रही हूँ, अपने नोट्स लेती जा रही हूँ जो आप बता रहे हैं। तो आप फिर मुझे आप बताइए, पूछ आपकी लें अगर समझ आपको, कौन सी मुझे थी, कौन आप सी पूछ समझ लें नहीं आ रही वो बताएं। सर, मुझे लग रहा है मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया, मुझे ना ये कोई भी चीज नहीं याद आ रही, लेकिन अल्लाह आप रहम। पूछें मैं देखती हूँ, बताती हूँ, चलो कोशिश ये कर आसान वाला कर लें, जी। ओहिब्बू अल्लाह हा ओहिब्बू अल्लाह में हुब हुब जो है ये फेल है, अलिफ जो है उसमें अना छुपा हुआ है, जी, हमजा और के दम्मा वाला अलफ वाला। जी इसमें अना यानी कि जो फाइल है, जो मोहब्बत कर रहा है अल्लाह से, वो छुपा हुआ है, जी और अल्लाह जो है वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है। है। इंग्लिश यस में तो आती है आपको ग्रामर ना? जी, सो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है, है, तो ऑब्जेक्ट को जो है हम मफ़ऊल भी कहेंगे, जी ठीक, समझ और में उस आ पे गया जबर सर? होगी इसको अल्लाह को मंसूब हम मुदाफ भी कहेंगे, ये क्योंकि मुदाफ, देखें रुकें जहां, आप क्यों इसको मुदाफ कहेंगी? अल्लाह को, क्योंकि ये मफ़ऊल नहीं, भी मुदाफ नहीं, क्या ऑब्जेक्ट। होता है इसका अच्छा मतलब मैं मुदाफ के आपको साथ तो नहीं, अल नहीं लग सकता ना, अल्लाह के साथ तो अल नहीं नहीं लगा हुआ नहीं है नहीं ना।
रुकें, स्टेप बाय स्टेप चलें। जो मुदाफ और मुदाफ लह होता है वो पोसेसिव प्रोनाउन्स होते हैं। अच्छा आपका पेन, ओके आपकी ओके ओके मल्कियत ओके होता है ना। अब अल्लाह के बाद कुछ आया है या अल्लाह से पहले कुछ आया नहीं है? नहीं 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 मुदाफ मुदाफ ये है जहां रसूल अल्लाह ही आ गया। ठीक है अल्लाह रसूल, अल्लाह तो है वो रसूल के मालिक है ना, जी, तो इसलिए उनकी निस्बत बनी। ठीक अब वो मुदाफ मुदाफ लह वाला दोबारा पढ़ना, ठीक है ना? तो आपको सब चीजें वाजे हो जाएंगी। मुझे बहुत थोड़ा आपने गौर करना है। मैं आपको पीछे नहीं छोड़ना चाहता ना, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको डबल नहीं सर मेहनत मैं करनी है। हाँ, रिवाइज करूंगी नोट्स अपने डबल दोबारा मेहनत करनी है इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह। वरना फिर वो मेरी गलती होगी, क्योंकि आई एम नहीं योर नहीं फैसिलिटेटर। नहीं सर आपकी गलती नहीं है, मेरी गलती है। फैसिलिटेटर तो मैं मैं हूँ। जो नहीं मेरी नहीं नहीं ट्रेनिंग सर हुई है वो ये है कि अगर कोई लर्नर लर्न नहीं कर रहा तो उसमें फैसिलिटेटर की मिस्टेक है, उसकी नहीं नहीं उसमें नहीं सर मेरी कमजोरी कोताही है, मैं इसे है। दोबारा रिवाइज करूंगी इसको इंशाल्लाह। रिवाइज करना है प्लीज। आपने सिर्फ ये करना है कि जो इंस्ट्रक्शन मिल रही है ना उसके ऊपर आप चलें इंशाल्लाह। रिवाइज करें, इसको समझने की कोशिश करें। अल्लाह ने इसको आसान बनाया है तो ये कभी मुश्किल तो हो नहीं सकता, ये मेरा ईमान है और आपका भी यही इंशाल्लाह ईमान होना चाहिए जी इंशाल्लाह, क्योंकि बिल्कुल है तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत आसान किया है इसको समझने के लिए। देखें, यहाँ मैं समझा रहा था कि असल जो चीज है अबू की, और यहाँ तो दम्मा होना चाहिए, और दम्मे वाला बा के, बा को या के साथ कैसे पढ़ेंगे आप? पढ़ ही नहीं सकते। अल्लाह ने हमारे लिए जी आसानी कर दी, उन्होंने कहा इसको कसरा दे के पढ़ लो। अभी मेरे वाले, उम्मी मेरी माँ, अखी मेरा भाई, उख्ती मेरी बहन, अल्लाह ने हमारे लिए आसान कर दिया। ठीक सही है, बात तो आगे फिर ये जुमला जो है ना, ये आप मेरे साथ करें। रुकिए, आपकी थोड़ी ये जी। प्रैक्टिस मैं करवा देता हूँ अभी। इसको पढ़ें ये वाला। उहिब्बु हाँ उहिब्बुल लुगतुल अरबिया जी, अब देखें, हमने पढ़ा था ना कि ये हमें पता चल गया कि ये ये फेल है, फेल तो है जब हम फिर पूछते हैं आईना फाइल, फाइल इज आ वाला जो ऊ है ना, ये बता रहा है ऊ, ये ठीक फेल है मदारे है, इसलिए ऊ हमें बता रहा है कि ये हमारा ये सब्जेक्ट है, डूअर है, काम के करने वाला है, जो मोहब्बत करता है किस चीज के साथ, जिस चीज से मोहब्बत की जाएगी वो हमेशा मंसूब होगी, यानी उसके ऊपर मंसूब फतह आएगा। ये प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा। और ये क्या है, आपने, मैंने आपको बताया था इसको क्या कहते हैं, कोई भी बता सकता है लेकिन रूही को जवाब दें। या रूही आपने जवाब देना, लुगतुल अरबिया को क्या कहते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था, बिगिन्स विद मीम, मन सर ये वो है मन मन मनो मनु मनोत मन मनूत और ये मनऊत, नात है, ये मनूत और नात नात है। जी। तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ, डू यू लव लुगतुल अरबिया रूही? यस सर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें यहाँ, इसलिए इसके ऊपर मैं आपको जो एंडिंग है वो समझा रहा हूँ कि अरबी में एंडिंग जो है वो ही जुमले में अल्फाज को एक वैल्यू भी देती है और एक माना भी देती है। ठीक है, जी तो अल लुगत तो जो है ये मनहूत भी है और मफूलन बिही भी है, तो ये मफूलन बिही बन गया, ये उसकी नात बन गई, इसलिए इसके ऊपर भी फतह आ गई। अब मैं रिपीट करवाऊंगा अपनी आयशा आलिम साहबा से। आयशा, आप इसको एक्सप्लेन करें सबके फायदे के लिए। जी सर। उहिब्बुल लुगत अल अरबिया था, उहिब्बु फेल मुजारा है और उसकी हालत जो पहला हर्फ है ऊ से पहचान हो रही है कि इसमें इशारा मैं के लिए है और इसमें फाइल है चुका हुआ जी, फाइल अना और है जी। अना हो गया शायद फाइल। और जो लुगत अल अरबिया क्योंकि वो वर्ब है सॉरी फेल है कि मैं मोहब्बत पसंद करता हूँ या लव करता हूँ, तो जो दूसरा है ये मफूल है अरबी जुबान, लुगत अल फूलन अरबिया भी ही कहें मफूल इसको जी। है। ओके मफूलन बही है और उसको मंसूब हालत में होना चाहिए और क्योंकि ये नात और मनूत है तो इन दोनों की हालत मंसूब हो जाएगी। और अरबिया क्या है, नात है या मनूत? जी, अरबिया नात है, जी लुगत मनूत है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इस हालत में है,
ऊपर हमने पढ़ा था मुदाफ और मुदाफ अलैह का सिचुएशन, यहाँ हम जी मनूत नात और और नात मनूत की की। सिचुएशन पढ़ रहे हैं। एवरीबॉडी विद जी मी, शहला समझ जी सर, आ रही है ना? बिल्कुल जी जी अब सर, जो जी हाँ, अब सर हम आगे बढ़ते हैं। तो वो कह रहे हैं कि आई लव अरेबिक लैंग्वेज, फिर हम बनाएंगे वी लव अरेबिक लैंग्वेज, ठीक है ना? जी ये थोड़ा डाइजेस्ट हो जाए तो इंशाल्लाह फिर वो भी इंशाल्लाह सीखेंगे। तो आगे वो कह रहे हैं कि हियर वी कैन लर्न टू हिब्बू। जी पहले हमने पढ़ा ओ हिब्बू, अना, मेल के लिए भी होगा फीमेल के लिए भी होगा, ठीक है ना? अब वो कह रहे हैं तो हिब्बू, तो ये होगा यू लव, अगर ये मैस्कुलन सिंगुलर के लिए होगा। किसके लिए होगा बताइए, कोई समझ में आई बात? मैस्कुलिन मैस्कुलिन सिंगुलर सिंगुलर जी जी, मुजक्कर वाहिद। तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि अभी वो एग्जांपल दे रहे हैं, डू यू लव अल्लाह, क्या कह रहे हैं, डू यू लव अल्लाह। तो उसको हमने सवालिया निशान बनाने के लिए ये आ लगाया है, ये वाला, ठीक ठीक है ना? जी एक होता है इसको क्या कहते हैं, हरफुल इस्तफहाम, ठीक है ना, सवालिया जी क्वेश्चन के लिए। सर ये निशानी मैंने बनाने की कोशिश की, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना? ऐसे भी होता है और ऐसे भी होता है ना, क्वेश्चन मार्क। आ तो हिब्बुल्लाह, आ तो हिब्बुल्लाह, पढ़े सभी पढ़ लें इसको। आ तो आ आ तो हिब्बुल्लाह, तो हिब्बुल्लाह आ तो हिब्बुल्लाह। रूही आप पढ़ें। आ तो हिब्बुल्लाह डू हाँ, डू यू लव अल्लाह, यू लव अल्लाह। ठीक है ना? तो इस आगे हमने तो जो हमने क्या देखा है, सेम चीज रही है। तो हिब्बू में फाइल कौन सा है? तू अंता, यू 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 तू यू अंता अंता, अंता ठीक है ना? ये जी भी फेल मुदारिया ही है ना, ओ हिब्बू तो हिब्बू। हम पढ़ेंगे जी इस, थोड़ी आपको कंजुगेशन की तरफ, जो जिसको हम तसरीफ कहते हैं, उसकी तरफ ले जा रहे हैं। आ तो हिब्बुल्लाह, डू यू लव अल्लाह, ठीक है ना? तो हिब्बू जो है ये अंता के लिए आ गया, इसको कहते हैं अरबी में मुखातब को की बात हो रही है, ठीक है ना? तो वो कह रहे हैं कि डू यू लव अल्लाह, तो अल्लाह की जो हालत है वो सेम रही है ना, जैसे ओ जी हिब्बुल्लाह रहा उसमें भी सेम है ना, देखिए यहाँ भी मकुल मंसूब है, मकुल यहाँ भी मंसूब है, तो मकुलन बहेगी ये मफूलन भी हो गया। अगर तो क्वेश्चन ये है कि अगरचे फाइल चेंज हो जाए, मफूल जो है वो उसी हालत में हमें नजर आएगा। समझ में आ गई? ओहिबू के साथ भी अल्लाह वैसा ही है जैसा तो हिब्बू के साथ है, मगर हमें पहचान होनी चाहिए कि ये जो है ये मफूलन बिही है और ये मंसूब है। कोई रिपीट कर सकता है? शाहीन, आपने कुछ नहीं आज कहा मेरे ख्याल, या कुछ जी सर। कहा कौन आपको कौन से पढ़ते हैं जी, यहां मुझे से? समझ आपको समझ आ गई? आ जी तो जी हिब्बुल्लाह, इसमें फेल जो है वो कौन सा है? फेल तो नहीं हो तुहिब्बु, और उसकी जो ता है ना वो हमें बताती है ता, जी ये ता जो है ना ये अंता के लिए है जी। जी और अल्लाह जो है वो मंसूब है वो मुझसे लिखा मकबूल नहीं है। गया अंता, ये अंता है, मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ अंता। इससे ना इससे मजा, तो अंता जो है ना वो ता जो है उसको, और ता जो है जो यहाँ पर ता उसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये क्योंकि इसका असूल है, तो तुहिब्बू इसको पढ़ा गया है। आ तुहिब्बुल्लाह, डू यू लव अल्लाह। जी नेक्स्ट वन जो है वो है आ, कोई पढ़े? मैं आप कोई पढ़े, ये डू यू लव योर लैंग्वेज। अब हम ये आ जुमला तो बना है रहे हैं। बोलो आ तो है बोलो लोगा का हाँ, तो इसमें हमने का किसके लिए लगाया है? यू के लिए मैस्कुलिन यू के लिए, यू तो के लिए हाँ, तो ये इससे इसका लिंक है, ठीक है ना? तो
तो ता जो है ना, तू जो है वो हमें बता रहा है कि यहाँ का लगेगा। अगर मैं ये कहता आ तो ही बू लुगा था की, फेमिनिन हो जाता सर, तो ये गलत गलत हो जाता, ये हाँ जुमला गलत गलत हो हो जाता जाता, गलत हो जाता है। जी। क्योंकि आ तो जो हिब्बू जो है, तो हिब्बू वही जो उस है वो मैस्कुलन सिंगुलर के लिए। हाँ, क्योंकि वो होगा तो हुई बीना। तो हिब्बीना। हाँ, लेकिन अच्छा वो हमने हाँ पढ़ा नहीं है तो इस तरफ जाना नहीं है, कंफ्यूज जी हो जाएंगे सब, भाग जाएंगे फिर। आ तुहिब्बू लुगाता का, डू यू लव योर लैंग्वेज, ठीक है ना, कोई ये इसमें सिर्फ मुश्किल तो मैस्कुलिन नहीं के है लिए ना, जी। ये मैस्कुलिन टू यू के लिए मैस्कुलिन यू है, के लिए दोनों, मेल टू। ठीक ये है जो है ना ये बराबर चलेंगे, ठीक है ना। ठीक है। अब वो कह रहे हैं हुम डू यू लव, मन मन तो है वो तुहिब्बू, देखें आप मन, हमने मन का इस्तेमाल किया, मन तुहिब्बू, फिर इसके बाद हमने कहा कि माजा तुहिब्बू, व्हाट डू यू लाइक, ठीक है ना। तो लाइक के मानों में भी हुब्बा का जो इस्तेमाल होता है, तुहिब्बू का वो लाइक के मानों में ये भी आता है और लव के मानों में भी आता है, पसंद करने में के भी मानों में आता है, जी। ठीक है। तो कुछ बात आपको वाजे हुई होगी, कुछ शायद कंफ्यूज हुए हैं, तो हम लेसन की तरफ चलते हैं, तो वहाँ हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे। ये तो पढ़ लिया था ना, सारा सबक तो पढ़ लिया था, यहाँ से आपने पढ़ना है, अभी है ना था टाइम तो है हमारे पास, कोई भी आ जाए वॉलंटियर, रूही आपसे शुरू करते हैं। मन फी हाजल बैत, मन फी हाजल बैत फी हामिदुन, इसको पढ़ूं सर मैं? जी, पढ़ें और समझने की कोशिश करें कि क्या है ये सब। ये किसका घर है? नहीं, मन नहीं, फी मन हाजल बैत फी इस हु इज इन द हाउस? मन फी हाजल बैत, मन का क्या माना होता है, वो कोई बताए, हेल्प करें, हेल्प करें रूही, कौन जी कौन 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 हु। कौन फी कौन का क्या माना कौन होता है फी रूही, जल्दी जल्दी जल्दी, मेन इन, यानी इन हाँ, हाजल बैत जो है ये घर दिस हाउस। दिस हाउस, ठीक है ना, इस घर में कौन है, हु इज इन दिस हाउस। तो वो जवाब क्या दे रहे हैं, फी ही, ही हामिद, इसमें हामिद है। हाँ हाँ, ये मैंने आपको पूछना है रूही कि, या कोई भी, सब मुझे जवाब दें कि इसको क्या कहते हैं, इस हु को क्या कहते हैं, ये असल में तो ऐसे है ना, उप्स, ये सॉरी जी मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये देखें, ये असल में तो ऐसे है ना, फी प्लस हु, सर ये ये बैठ फी की हु, वजह से हो गया है, क्योंकि फी बैठ तो ही, है। लेकिन इसको क्या कहते हैं, ये तो हर्फे जर है, हु को क्या कहते हैं, अभी मैंने पढ़ाया है आपको, हु जो है जमीर की वजह से है ना अटैच सर, प्रोनाउन है, जमीर मतलब पोसेसिव सिंपल जस्टिस। प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, अटैच्ड प्रोनाउन, मुत्तसिलुन, हाँ, ये जुड़ेगा इसके साथ, इसको जोड़ने का तरीका अभी वो बता रहे हैं आपको कि कैसे जोड़ना है, ठीक है। ही तो जब फी इसके साथ आ गया तो हु से ये कहाँ चला गया, ही चला गया, तो इसको अगर हम ये लिखें कि तो ये है ना, पी के साथ आ रहा है। ही, अब ये ही किस जो है, ये किस हालत में है, मंसूब है, मजरूर है, मरफू मजरूर है, मजरूर हाँ, पी की वजह से। और जो पोसेसिव प्रोनाउन होते हैं वो मंसूब और मजरूर होते हैं, ठीक है ना, समझ में आई बात, दोबारा बता दें, पोजेसिव प्रोनाउन हाँ, वो मरफू मजरूर और मंसूब होते हैं, नहीं होते, मंसूबा वो इस हालत में होंगे, लेकिन उसकी असल हालत ये है, ये उसकी असल हालत है, लेकिन जो वैसे हुआ किया हुम वो नहीं चेंज होते, वो उसी हालत में रहते हैं, ये फर्क है, ये लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आ गया, इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो सर मुझे यहाँ ये वाली चीज तो समझ आ गई है, फी ही कैसे हुआ है, लेकिन मुझे जो आपने जुमला बोला ना, जी पोजेसिव प्रोनाउन जो है वो मंसूब या
मजरूर होते मजरूर हैं, होते बोलिए हैं जी। समझाएं। उसको हमने अभी नहीं पढ़ा ना, इसलिए वजाहत नहीं हो रही। अच्छा हम पढ़ा ठीक मैं है, पढ़ाऊंगा। मैंने आपको सिर्फ एक ना इसमें सीड फेंका है कि आपको ना थोड़ा आप सवाल पूछेंगे, ताकि सवाल जो जी पूछने से फिर दिमाग जो है ना वो तेज हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फी ही ठीक क्यों है। आया है यहाँ, मुझे कोई बताएगा कि ये हा क्यों नहीं आया? लेकिन फी ऐसा है, वो मजरूर वो है खजर, की वजह से नहीं, हु जो है, फी खजर ही जो है, ये असल में तो हु है ना, ये वाला असल जी तो हु है ना, हुमा हुम, फी जी की वजह से ही बन गया। मगर जी ये जो है ना, मैं बताना ये चाह रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है, ये अल बायत की वजह से आया है। मन फी जी हाद अल बायत, बायत मुजक्कर है, मोनस है, मुजक्कर मुजक्कर है। तो ये जो हा है ये भी मुजक्कर आई है, लेकिन मुजक्कर की इसके नीचे कसरा क्यों आई है? फी की वजह से, फी वजह से सर, ही। क्योंकि मजबूर है ना इसका तर्जमा कोई करे, फी ही उस इसमें इन उसमें इट इसमें कौन हामिद है? हामिदुन, हामिदुन। हामिद अगर आप चूंकि यहाँ फेल का इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए हामिद जो है इस हालत में ही रहेगा। ये जो जुमले हैं हमने आज तक पहले पढ़े थे, वो सब जुमलतुल इस्मिया थे। तो जुमलतुल फ़िलिया में चीज़ों में तब्दीली आएगी। पहले हम क्या पढ़ते थे और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, उसमें थोड़ा सा फ़र्क आएगा। पहले हम तलाश करते थे कि नाउन कौन सा है और हर्फ कौन सा है, अब हम क्या तलाश करेंगे, फेल कौन सा है, इसम कौन सा है और हर्फ जी कौन सा है। समझ में आई बातें? तो आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले हम छोटे छोटे जुमले पढ़ते थे, हाजा बैतुन हमारे लिए काफी था, अब हम देखें कितना बड़ा जुमला पढ़ रहे हैं। मन फी हाजा अल बैती, हु इज इन दिस हाउस, फी ही हामिदुन, इसमें हामिद है इसमें ना, ठीक है ना। माजा, आज ये दूसरा नंबर कोई पढ़ेगा? रूही, रूही आप पढ़ें, ये भी आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। माजा माजा फी हकीबी फिल हकीबती, हकीबती माजा व्हाट व्हाट इन इज इन व्हाट द इज इन द हकीबती तो बैग, जो द आप बैग। बैग एक तो आपने ना अपना रूही, एक तो आपने रोजाना 5-10 लफ्जों को मेमोराइज करना है, बैग आपकी ठीक है सर, वैकेबुलरी बढ़ जाएगी इंशाल्लाह। हकीबा बैग को कहते हैं, सही। व्हाट जो आप स्कूल इज इन द वगैरह में भी बैग? लेकर जाते हैं, ये देखें ये हकीबा है बैग ठीक ये वाला वो तो वो कह पेज रहे हैं। सर हाँ नजर हकीबा जो है ये रूही क्या है, मुजक्कर मोनस हकीबा जो है मोनस है सर, नकरा मारफा है या नकीरा? है। हाँ नकीरा है मारफा बताए, नहीं, मारफा होती मारफा है, मारफा है क्योंकि अल लगा हुआ है। सॉरी। हाँ अब उस ये चूंकि मोनस है इसलिए यहाँ ये भी मानना हा लग कि गया। हाँ फी हा ये किताबी किताबी व माई कलमी व बुक्स दफ्तरी, माई पेन एंड माई रजिस्टर। माई एक्सरसाइज बुक रजिस्टर्ड। सही। नेक्स्ट वन कौन पढ़ेगा? शैला आपने पढ़ना है अब। किस सैयारा, कौन है गाड़ी में, कौन है कार में, हाँ कौन है पीहा उसमें, अभी मेरे वालिद व अम्मी और मेरी वालदा व अखी और मेरे भाई, मेरा भाई और मेरी बहन व अख्ती मेरी बहन। जी ठीक, माशाल्लाह, वेरी गुड। तो वाह क्यों हम लगाते हैं अरबी में? इंग्लिश में तो हम नहीं, और इंग्लिश भी में भी लगाते हैं वाह ऐसे, एंड 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 एंड। जी सर, इंग्लिश के जुमले में हम ऐसा नहीं लगाते ना, हाँ सिर्फ आखिर में लगाते आखिर हैं, मिला आखिर में लगाते हैं। माशाल्लाह, वेरी गुड, वेरी गुड पॉइंट है ये, याद रखने वाली बात है। तो नंबर चार आप जावेद भाई पढ़ेंगे। मन फी मस मस्जिदिल जामियती अल आन, कौन जी है मस्जिद जामिया मस्जिद जामिया मस्जिद में अभी,
इस वक्त अलान इस वक्त कौन है? जी माफ, चलिए इसको पहले समझ लें। मन फी मस्जिदिल जामियती अल आना, इस वक्त मस्जिद में कौन है, या अब हु इज इन द मॉस्क नाउ, जामिया मस्जिद नाउ, ठीक है ना। तो मुदाफा मस्जिद जो है ये क्या है, मुदाफ है, मुदाफ इलैह है। ये हर्फ मजरूर भी है, इस मजरूर भी है सॉरी, और मुदाफ है, अल जामियाती जी मुदाफ अलैह है। मुदाफा तो मस्जिद के नीचे, दाल के नीचे जो कसरा आई है वो क्यों आई है? पी पी की वजह से, पी की की वजह वजह से। से, माशाल्लाह। अब वो कह रहे हैं माफी ही अहदुन, इसका कोई तर्जमा कर सकता है? कोई नहीं है, कोई नहीं है इसमें, कोई माँ, एक भी। माँ का मतलब होता है, हमने पढ़ा था ना, माँ निगेशन के लिए आई है ये। पहले हमने पढ़ा था माँ माँ हाजा व्हाट इज दिस, पढ़ा था ना। अब वो कह रहे हैं कि माफी ही आहादुन, कोई नहीं, तो माँ कोई जो एक भी यहाँ है नहीं निगेशन के लिए है, नेगेटिव बनाने के लिए, है। नहीं, इसमें नहीं कोई भी, इसमें कोई कोई भी, आहादा कोई यानी कोई कोई भी, एक कोई एक, कोई यानी एक। कोई एक भी यहाँ नहीं है। तो इसीलिए आपने कभी कभी अरबों को या अरब वो पक अपने देसी अरब नहीं, दूसरे अरबों को सुना होगा, वो पढ़ कभी कभी कहते होते ऐसे मा फी ही मुश्किला, पता किसी को? फा जी कहते माफी है मुश्किल। फी, ये फा है, इससे लिखा नहीं जा रहा, मा फी ही, फिर वो मुश्किला भी ऐसे डाल देते हैं ना। देर इज नो, इसका मतलब होता है नो प्रॉब्लम, माफी ही मुश्किला, नो प्रॉब्लम, माफी ही मुश्किला, किसी ने याद करना है तो कर ले। अलिया माफी ही मुश्किला, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ नहीं पांचवा भी कर ले फिर, टाइम होने वाला है ये वाला। मन फी हाजिल मुदीरू, हाजिल गुरफती, मुदीरू मुदीरू तो हाँ क्यों नहीं लगा जा, हाँ मुदीर तो मुजफ्फर है। सर, ये फी हा जो है वर्फा के लिए, वर्फा जो है हाँ वो माशाल्लाह। और ये हाजा किसके लिए है? हादी ही है, ये हादा नहीं है, हादी ही है, क्योंकि गुरफा जो है वो मानस अच्छा मैं समझा हाजा लगना चाहिए था यहाँ, नहीं, हादी आज ही लगेगा क्योंकि गुरफा गुरफा ती है, क्योंकि ये गुरफा है, जी। गुरफा तो असल होता है, फिर हाँ अल गुरफा लग गया, ठीक है ना। देखिए जी, बिल्कुल आसान है ना अरबी, बहुत आसान है, इंशाल्लाह थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। तो फी हा अल मदीरू या फी हल मदीरू, तो मदीर नहीं जो है यहाँ, तो हामिद उनके ऊपर तो हमने दो दम्मे डाले, तो यहाँ क्यों नहीं दो डाले? क्योंकि ये जो नहीं हामिद जो है वो प्रॉपर ना, नहीं ये भी तो प्रॉपर ना होगा। नहीं वो अभी समझ ले इसको, ये भी डेफिनेट है, ये भी डेफिनेट है, मदीरुन होता है उसको डेफिनेट बनाने के लिए अल लगाते हैं, लगती और जब अल लग जाए तो दम है, एक तनवीन हट दमा जाता है। डिसअपीयर हो जाता है। जी, ये छोटी सॉरी छोटी सर। चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि फिर स्पीड तेज हो जाएगी इंशाल्लाह। किसी को कोई सवाल नहीं तो आगे बढ़े। जी सर आगे बढ़े। ये नंबर 2 को इसको पढ़ना है, इकरा, कोई भी पढ़े बारी बारी पढ़ लें, आप थोड़े उहिब्बु से तो हैं हम। अबी व उम्मी, जी उहिब्बु जमीली। आगे दूसरा तर्जमा करवाओ आता है आपको ना, वो जी। हिब्बू, मैं मोहब्बत करता हूँ अपनी अम्मी और अपने अब्बा, हाँ और वही जमीली मैं नंबर मोहब्बत टू करता हूँ अपने क्लास अरे सामने झूठ बोलूंगा मैं। में। ओहिबू अखी व उख्ती, ये वाला तीसरा रूही पड़ेगी, ये रूही की वो ये मेमोरी था आज याद कि कराना है जो रूही को है इंशाल्लाह। मेरी बीवी उन्होंने जमीली, यही आई पूछा लव आपसे कि माय उनका, और कॉलीग, उन्होंने कहा कि हमें या डेडलाइन बता दी है, ओहिब्बु इसलिए कोई उस्ताजी, टेंशन ना आई लव हो, माय रिपोर्ट टीचर। करते हैं ठीक। ओहिबुल्लाह, मैं अल्लाह से मोहब्बत करती अच्छा हूँ, अल्लाह ये पढ़े को नंबर 6, से वेरी ये वाला नबी मोहब्बत करती हूँ, नबी नबिया सल्लल्लाहु या, अलैहि वसल्लम। हाँ ये देखा ना, नबी या बन गया सल्लल्लाहु जी अलैहि वसल्लम।
तो हम सिखाएंगे आपको फी और या मतकलम को कैसे मिलाना है। तो यहाँ ये लास्ट वन पढ़ लें, फिर हम रोकते हैं इंशाल्लाह। लुगत अल अरबिया अरबियत, हाँ, क्या माना इसका? क्या मैं मोहब्बत करता हूँ अरबी जबान से, करती हूँ, मतलब दोनों कह सकते हैं, मैं दोनों करती के लिए हूँ। है ना। हाँ, मैं मोहब्बत करती हूँ या करता हूँ, मैं अरबी जबान को से मोहब्बत करता हूँ, या आई लव लैंग्वेज अरबी, दी अरबिक अरेबिक लैंग्वेज, लैंग्वेज, आई लव दी अरेबिक लैंग्वेज, ठीक है ना। क्योंकि जब हम उस थोड़ा ट्रांसलेशन में हम बा मुहावरा करते हैं ना, टू मेक सेंस। अब जल्दी जी रिवाइज कर लेते हैं। जो आप जो यहाँ है ना, अब ये असल में क्या है, ये मनसूब है, उम्मी मनसूब है, अखी आख जो है ये भी मनसूब, ये सब मनसूब है। जमीली जमील भी जो है वो मनसूब है, लेकिन ये मुदाफ और मुदाफल भी है, यानी पोसेसर प्रोनाउंस इसके साथ लगे। उस्तादी माई टीचर, ये भी इसी तरह है। समझ में आई? ये जी सर। लगता है ऐसे है जैसे ये मजरूर है, मगर दरअसल मनसूब है। समझ आ मंसूब गया? हालत में वो जी हिब्बो सर। नबिया, अब नबिया जो है ये या जो है ये बता रहा है कि ये मनसूब है, और लुगता का ता बता रहा है कि ये मनसूब है, अल अरबिया मनसूब है क्योंकि लुगत जो है वो मनऊत है, इसलिए इसकी वजह से ये भी सेम सेम होगा। फहमतुम? जी सर। समझ आई सबको? नाम तो नाम नाम जल्दी से किसी ने कोई सवाल पूछना है या फिर रोकें यहाँ? सर, मेरा एक रिक्वेस्ट है, ये वाली जो बुक है अगर ये व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दें इसका लिंक। नहीं, की थी मेरा ख्याल भाई ने, जीवित भाई आपने डाला था इसको, मेरे ख्याल नहीं, फॉरवर्ड आपने किया था। वो लिंक शेयर किया था जहां पे सारी किताबें डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, उससे ओके आप ओके ओके जी वहां से जी जाएंगे ओके तो हाँ, उससे बुक टू भी आ जाएगी आपके अच्छा, पास, बुक थ्री, जो जो भी आपने करनी है कर ले। मैं वो तलाश एक कर दफा मैं और लूंगी। कर दूंगा लिंक शेयर जो जजाकअल्लाह जजाकअल्लाह। ओके। वैसे अमेजोन पे भी है, अमेजोन पे से मंगवाई थी मैंने ये अगर खरीदनी हो तो, अगर आपने डाउनलोड जी, करके मैं पढ़नी हो डाउनलोड तो कर कर सकते। आगे भी डाउनलोड कर ली थी पहली बारी भी। चलिए इंशाल्लाह। तो अल्लाहुम्मा आलिमना मा यनफाउना वनफाना बिमा अल्लमतना वजिदना इल्मन अजमाइन इंशाल्लाह या रब्बिल आलमीन। फी अमानिल्लाह, आमीन। यमान जजाकअल्लाह खैर। अस्सलाम जजाकअल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलाम वरहमतुल्लाह।